प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 8 सर्वनाम का अगला अंश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, हम लोगों ने सर्वनाम पाठ में किया था सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम किसके लिए कौन सा सर्वनाम होता है। तो हम लोगों ने जाना था जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं उसे ही सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, हम, वह, वे, यह, ये, तुम और आप आदि। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने जाना था सर्वनाम शब्द किनके लिए होते हैं, जैसे मैं जो शब्द है वो अपने लिए और हम भी अपने लिए होता है। मैं को अन्य नाम से जाना जाता है, मुझे और मेरा, और हम, हमें और हमारा। दूसरों के लिए उसी प्रकार से वह, वे, पास होने पर, यह, ये, छोटी वो, छोटो वो, अपने बराबर वालों के लिए तुम और बड़ों के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं और इनका प्रयोग हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे संज्ञा शब्द की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। तो आप सभी अपनी व्याकरण पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 48 निकाल लीजिए और देखिए, यहाँ है संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने संज्ञा शब्द के एकवचन और बहुवचन पढ़े थे, जैसे झूला का झूले, ठीक है, लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियाँ, यह है संज्ञा के बहुवचन। परंतु यहाँ देखिए, सर्वनाम शब्द के भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं क्या है, एकवचन, यह एक व्यक्ति के लिए है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, हम। ठीक है, एक वचन बहु वचन, एक वचन यानी एक, ठीक है, एक संख्या, और बहुवचन यानी एक से अधिक संख्या। तो जैसे पहला सर्वनाम शब्द क्या है, मैं का क्या होगा, हम। मैं यानी एक व्यक्ति, हम यानी एक से अधिक व्यक्ति। ठीक है, फिर है यह का ये, फिर है उसे, उसे का क्या होगा, उन्हें। फिर है तुम का तुम लोग। ठीक है, इसी प्रकार है वह का वे। ठीक है, और अंतिम है मेरा, मेरा का हमारा। तो जिस प्रकार से संज्ञा शब्दों के बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम के भी बहुवचन होते हैं, एकवचन, बहुवचन। मैं क्या है, एकवचन है, और हम है बहुवचन। यह एकवचन, ये एक से अधिक, इसलिए ये। उसे एकवचन, उन्हें एक से अधिक, बहुवचन। ठीक है, तुम लोग, वह, वे, मेरा, हमारा। तो ये सारे जो एकवचन में है, ये एक व्यक्ति के लिए है, और बहुवचन यानी एक से अधिक व्यक्तियों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से किसके लिए किया जाता है, और आज हम लोगों ने जाना सर्वनाम शब्द के भी बहुवचन होते हैं। ठीक है,
तो हमारी पाठियाँ समाप्त हो चुकी है, उसके बाद है आओ दोहराए, यानी हम लोगों ने पाठ में क्या क्या सीखा। हम लोगों ने जाना पाठ से कि संज्ञा शब्दों की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द बहुत से हैं, अपने लिए मैं और हम, दूसरों के लिए तुम और तुम लोग, जो सामने नहीं है या किसी तीसरे के लिए यह, ये, वह, वे, और आदर देने के लिए आप। ठीक है, सर्वनाम शब्द बहुत से होते हैं, हम लोग को मालूम है। अपने लिए क्या होता है, मैं और हम, दूसरों के लिए तुम और तुम लोग, तो मैं क्या है एकवचन और हम क्या है बहुवचन। दूसरों के लिए तुम, तुम क्या है एकवचन और तुम लोग हैं बहुवचन, और तुम का प्रयोग हम लोग अपने छोटों के लिए करते हैं या अपने से बराबर वाले उम्र के लिए करते हैं। ठीक है, जो सामने नहीं या है, कोई जो सामने नहीं है हमारे सामने या किसी तीसरे के लिए, कौन सा सर्वनाम शब्द होगा, यह, ये, वह, वे, और आदर देने के लिए क्या होगा, आदर यानी सम्मान, रिस्पेक्ट देने के लिए आप। ठीक है, आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक जाना, हम लोग अगली कक्षा में सर्वनाम के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।